पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह के बीच नए प्रधान की नियुक्ति हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह बरार को पंजाब में पार्टी का नया प्रमुख नियुक्त किया है, जबकि प्रताप सिंह बाजवा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इसके अलावा भारत भूषण आशू को वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ये जानकारी दी। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। अब बरार को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी गई है। अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह दोनों ही राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस की लड़ाई इन दिनों खुलकर सड़कों पर है। इतना ही नहीं, उधर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा था कि सुनील जाखड़ शुरू से उनके खिलाफ बोलते हैं, वो दलित भाईचारे का अपमान करते हैं। जाखड़ चुनाव के नतीजे आने के बाद से चन्नी पर भड़ास निकाल रहे हैं। जाखड़ का मानना है कि दागी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के कारण पंजाब में कांग्रेस की हार हुई। हालांकि चुनाव से पहले जाखड़ ने सिद्धू की बजाय हमेशा चन्नी को चेहरा बनाने की वकालत की थी। जिस सभा में राहुल ने चन्नी को सीएम का उम्मीदवार बनाया था, उस मंच पर जाखड़ भी थे।